हेलो माय डियर सेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक सिंगिंग ए सॉन्ग। इकोनॉमिक सिंगिंग ए सॉन्ग क्या होता है मैडम? जैसे हम गाना गाते हैं तो हमारा मूड फ्रेश होता है। क्या होता है मैडम? मूड फ्रेश होता है। और हम गाना गाते हैं तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, मूड फ्रेश होता है। और जब मूड फ्रेश हो जाता है हम कोई भी काम करते हैं मैडम स्टूडेंट्स, तो हम कोई भी काम करते हैं मैडम स्टूडेंट, तो हम कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है मैडम स्टूडेंट, वो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसका मतलब है कि यानी जब काम अच्छे ढंग से होगा, हम जब गाना गाते तो काम अच्छे ढंग से होगा, और जब काम अच्छे ढंग से होगा तो हमारा मूड, तो हमारा काम अच्छे से, और जब काम अच्छे से होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जब एम्प्लॉयमेंट अच्छे जनरेट होगा तो इनकम भी अच्छे जनरेट होगा, जब इनकम भी अच्छे जनरेट होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी अच्छे जनरेट होगा, फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी अच्छे जनरेट होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी अच्छे जनरेट होगा, फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा तो फिर प्रोडक्शन जनरेट। यानी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक साइक्लिक ऑर्डर में चलेगी, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिक सिंगिंग ए सॉन्ग करते हैं, क्योंकि सिंगिंग ए सॉन्ग का इकोनॉमिक एक्सपर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है कि गीत गाने से हम, यानी गीत गाने से हमारा माइंड बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा। तो 24 घंटा, सातों दिन, सालों भर अगर हम 24 घंटा में थोड़ा बहुत समय निकाले, गाना सुन लें, संगीत सुन लें, चाहे भक्ति या फिल्मी, जो भी आपको जैसा समझ लें, तो इससे क्या होता है, हम अपने काम 10-12 घंटे कंटिन्यूस कर सकते हैं। और 10 घंटे कंटिन्यूस करने के साथ साथ ही 10-12 घंटे कंटिन्यूस करने के साथ साथ ही हम 24 घंटे, सातों दिन, 24 घंटे, 12 महीने, साल भर काम कर, बस थोड़ा सा, तो हम कह सकते हैं इसका इकोनॉमिक एक्सपर्ट यही भी करेक्ट करेंगे कि जब काम, जब मूड फ्रेश रहेगा तो आदमी तन और मन से काम अच्छा से करेगा, जब काम तन और मन अच्छा से करेगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा से होगा उस, और जब काम संबंधी प्रोडक्शन अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम भी जनरेट होगा, जब इनकम जनरेट होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जनरेट होगा, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा सेविंग इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होगा, और जब सेविंग जनरेट होगा तो प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट भी, यानी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक साइक्लिक वे में चलेगी। ओके मैसे, तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक साइक्लिक वे में चलेगी, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, जो कि एक साइक्लिक वे में चलेगी। ओके मैसे, तो अब यहीं पर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिंगिंग एंड सॉन्ग का इकोनॉमिक एक्सपर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा। ओके बस, अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं तो विश्वल पे मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ने सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी ना चौकड़ी तरक्की कर रहे, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े। और मेरा मन आपके लिए, आप समझ सारे लोगों को बहुत ही फायदे में साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सटर में तो लंग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज जज नेवर गिव्स। ओके मैच, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक से, फिर किसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, एंड वंस अगेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव।